हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग समझने जा रहे हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जाम 2023 के बारे में। इसमें समझेंगे कि देखिए इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है और इसका सिलेबस और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए DCEC के तहत चार एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहला है PPE, PM और PMM। इसका मतलब है PE मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और PPE मतलब है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, PPE का तैयारी कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले आपको माध्यमिक यानी कि दसवां पास होना चाहिए या दसवां में अपियरिंग होना चाहिए। जैसे आपको 2023 में एग्ज़ाम देना है तो आप 10th क्लास में या तो अपियरिंग में इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो या तो आप इस बार दे दियो, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, या आप पास कर चुके हो। आयु सीमा इसमें कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसके बाद PPE किस स्टूडेंट के लिए है, वैसा स्टूडेंट जो 10वीं पास कर चुके हैं और 2 वर्ष ITI पास कर चुके हैं, ये दोनों जो परीक्षा क्वालिफाई किए हैं 10वां के साथ साथ 2 ईयर ITI परीक्षा, तो उसके लिए PPE है। और ये 4 साल का कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स है जिसमें आप लोग को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। इसका अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपको टोटल 450 मार्क्स का आपको एग्जाम पूर्णांक है और टोटल 90 क्वेश्चन आपको बनाना होगा इसके इसमें। इसकी बात करें, ठीक है, PM की, तो ये पैरामेडिकल और PMM मतलब कि पैरामेडिकल माध्यमिक, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें PM में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, अगर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट अब में आपका सब्जेक्ट PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई होगा चलेगा, ठीक है। GNM और ANM सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये बात ध्यान रखिए। और इसका जो एलिजिबिलिटी देख लीजिए, इंटरमीडिएट PCB के साथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, 40% मिनिमम नंबर आना चाहिए। SC ST स्टूडेंट के लिए 5% का अलग से छूट है। इस केस में न्यूनतम आयु 17 वर्ष है, अधिकतम आयु 32 साल है, ठीक है। और ANM GNM के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। इसका अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो 32 ईयर और GNM ANM के लिए 35 ईयर। सिलेबस की अगर बात करोगे, अच्छा, ये जो एग्ज़ाम है PMM ये 10th पे आधारित है, ठीक है। इसका न्यूनतम आयु 15 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष इसमें रखा गया है। इसमें देखिए समान विज्ञान से क्वेश्चन आता है, अंक गणित योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, समान ज्ञान, टोटल इसमें भी 90 क्वेश्चन है और हर एक प्रश्न 5 मार्क्स का है, टोटल 450 पूर्णांक का है। अब इसमें देखिए हम लोग समझेंगे कि कट ऑफ क्या कितना जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाओगे कि कट ऑफ होगा, और इसका जो डिटेल सिलेबस है, ठीक है, कि समान विज्ञान में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और हिंदी में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, अंग्रेजी में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू।